वेल अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप VVM के अंदर किस तरह स्क्वायर ले सकते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, टू टेक इनपुट एंड मेक अ स्क्वायर ऑफ इट। ठीक है, अभी देखें आप, सबसे पहली जो दिमाग में जो हमारे दिमाग के अंदर बात आती है कि VVM में किसी भी VVM में कोई ऐसी कमांड नहीं है जो हमारे पास मल्टीप्लाई करा के हमें उसका रिजल्ट दे सके। VVM में सिर्फ ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, और दूसरा ब्रांच इक्वल टू ज़ीरो का है, और ब्रांच ब्रांच इफ पॉजिटिव का है, और ये सब बाकी चीज़ें हैं, मगर कोई मल्टीप्लाई की कोई कमांड नहीं है, डिवाइड की कोई कमांड नहीं है। ठीक है, तो हमें इसमें कोई लॉजिक लगानी पड़ती है, लूप की लॉजिक लगानी पड़ती है कि जिससे हमारा वो लूप के ज़रिए वो हमें ऐसा कोई रिज़ल्ट दें जिसके हमारा वो स्क्वायर बन जाए। ठीक है, जैसे मैं एक लॉजिक आपको बताता हूँ स्क्वायर की। जैसे टू का अगर मैं करूँ स्क्वायर, ठीक है, तो वो फोर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो मैं नंबर्स को इनपुट दे रहा हूँ उसी को, जैसे मैं टू है तो मैं टू को टू टाइम्स अगर प्लस करूँगा तो फिर वो फोर बनेगा। ठीक है, अगर जैसे मेरे पास फोर का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो वो होता है 16 होता है। ठीक है, और ये मैंने जो इनपुट लिया है अगर मैं उसी को फोर टाइम ऐड करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास बनेगा 16। ठीक है, अब ये इसकी एक लॉजिक है इस किसी भी नंबर का स्क्वायर बनाने की जो हम VVM के अंदर कर सकते हैं। और अगर इसको टर्बो सी में बनाना होता तो ये बहुत ही इजी होता, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई की एक लॉजिक बनी हुई है। मगर इसको ये VVM है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, नहीं सॉरी लो लेवल लैंग्वेज है, तो फिर हमें इसमें खुद ही बनाना पड़ता है लूप भी। सही है, अगर जैसे मुझे बताता हूँ, जैसे मुझे सिक्स का क्या नाम है करना है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करना तो वो क्या होता है, 36 होता है, तो मैं अब सिक्स को सिक्स टाइम ऐड करूँगा तो फिर मेरे पास 36 आएगा। ठीक है, सिक्स टाइम ऐड करूँगा तो 36 आएगा मेरे पास। ओके, अब मुझे इस लॉजिक से बनाना है अपना ये प्रोग्राम। प्रोग्राम तो मैंने बना लिया है, बस मैं आपको उसको ड्राई रन करके आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह रन हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट प्रोग्राम। सो देखें, इस प्रोग्राम में मैंने पहले क्या किया है, पहले मैंने इनपुट लिया है और उसको स्टोर करवा दिया है 99 के ऊपर। ठीक है, सपोज़ करें मैंने इनपुट लिया है 3, सही है, और मैंने इसको स्टोर करवा दिया है 99 के ऊपर, 99 इक्वल टू 3। और मैंने इस प्रोग्राम के अंदर तीन वैल्यू हार्ड कोड किए हैं। सही है, ये हार्ड कोड वैल्यू है मेरी 96, ये देखें 96, ये मेरी यहाँ से स्टार्ट है, 96 पे मेरा क्या है 1 है, 97 पे मेरा क्या है हार्ड कोड हुआ है 0, 98 पे मेरा क्या है हार्ड कोड हुआ है 0। ठीक है, अब हम देखें, अब हम ये वाली लाइन के बाद मूव करेंगे जो नेक्स्ट लाइन है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे मेरे पास क्या है, LDA 98, तो मेरे पास 98 पे हार्ड कोड है वो है 0 है मेरे पास। ओके, तो 0 मेरे पास हो गया लोड, 0 लोड कर लिया इसने, अब ऐड करा दिया मैंने 99 से, तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, और फिर इसके बाद मैंने इसको स्टोर करवा दिया 98 के ऊपर, तो 98 लोकेशन पे मेरे पास 3 हार्ड कोड हो गया है, इस लोकेशन पे मेरे पास 3 हार्ड कोड हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, LDA 97, तो 97 पे भी मेरे पास 0 ही है। ठीक है, 97 लोकेशन में मेरे पास 0 हार्ड कोडेड है, तो 0 हो गया लोड। ठीक है, अब इसके बाद मैंने ऐड करवा दिया 96 को, 96 को ऐड करवाया तो 96 पे मेरे पास अभी 1 है। सही है, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, अब ये चीज़ मेरे पास लूप बना रही है। ठीक है, 96 ऐड करवाया और स्टोर करवा दिया उसको 97 के ऊपर, तो मेरे पास 97 पे पहले 0 था, अब मेरे पास 1 हार्ड कोड हो गया है। ओके, 1 स्टोर्ड एट 97। ओके, अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ
जो मैं वन मैंने स्टोर करवाया है उसको 99 से सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। ओके, 99 पे मेरे पास क्या था, 99 पे मैंने वो इनपुट था जो मैंने लिया था, सही है, जो मैंने इस पे स्टोर करवाया था। तो 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2। ओके, फिर इसके बाद ये BRZ, अगर मेरी ब्रांच 0 है तो, अगर ये मेरा जो -2 आ रहा है ये अगर 0 के बराबर है तो फिर ये जंप कर जाए 11 लाइन नंबर पे। ओके, सो ये अभी तो कंडीशन ये फॉल्स है क्योंकि ये -2 है, तो इसको ये निगलेक्ट कर देगा और नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो गई है अभी। तो फिर ये जो BR, जो मेरी जो BR का जो फंक्शन है, BR का काम है सिर्फ जंप कर, सिर्फ जंप करना, ये कोई भी कंडीशन ये चेक नहीं करेगा, बस ये जंप कर जाएगा, सही है। तो ये लाइन नंबर 2 के ऊपर जंप कर जाएगा, तो लाइन नंबर 2 मेरी ये है, ये लाइन नंबर 0 है, सही है, ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है, तो ये यहाँ पर ये जंप कर जाएगा, मतलब ये लूप चला रहा है, इसको देख के लूप चल रहा है मेरे पास, सही है, लूप 1 चलेगा मेरे पास, ठीक है। अब मेरा LDA 98 दोबारा होगा, अभी मेरे पास कोई वैल्यूज इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं हुई, अभी मेरे पास ये वही वैल्यू चल रही है जो मेरे पास अभी पर सेव हुई है, ठीक है। तो LDA 98 मैंने करवाया, तो अभी मेरे पास 3 है, 3 मेरे पास हो गया लोड, 3 लोडेड, ठीक है। अब मैंने इसको करवा दिया ऐड 99 से, तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 9, ठीक है, 3 9 हो गया। अब मैंने इसको स्टोर करवा दिया 98 के ऊपर, सो 98 इक्वल्स टू 3, सो LDA 97 अगेन, सो मेरे पास जो पहले 97 में स्टोर करवाया था वो मेरे पास था 1, तो अभी 1 है, ठीक है, वो 1 लोडेड। फिर मैंने इसके बाद 96 से ऐड करवाया, ऐड 96, सो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ठीक, ओके, ऑल राइट, देन स्टोर 97, सो 2 स्टोर्ड एट 97 लोकेशन, ओके, विच इज हार्ड कोडेड एट 97 लोकेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पर हार्ड कोड 96, 97, 98 को किया हुआ, ठीक है। तो 97 पे ये स्टोर हो गया, अब सब्ट्रैक्ट करवा दिया मैंने इसको 99 से, ये मेरे पास लूप चला रहा है, लूप इसके ज़रिए मेरे ज़रिए लूप रन हो रहा है, ये 99 जो मैं सब्ट्रैक्ट 99 कर रहा हूँ, तो जब ये दोनों बराबर होंगे मतलब, तो फिर हमारा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो अब मेरे पास क्या होगा, 2 माइनस 3 जो मेरे पास ये लोड, ये मेरे पास स्टोर हो गया था, अब ये इसी को उठाएगा, इसके बाद 2 को उठाया इसने और 2 को लोड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 से, ओके, जो मेरे पास जो मेरा इनपुट लिया था मैंने, तो मेरे पास अभी यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना -1, ओके। अब BRZ दोबारा कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि अभी ये 0 नहीं है, ये -1 है, तो कंडीशन फॉल्स, देन ये जंप दोबारा अगेन जंप करेगा 2 के ऊपर, अब लूप 2 स्टार्ट होगा मेरे पास, लूप 2 स्टार्ट होगा, LDA 98 मेरे पास है यहाँ पर, सॉरी ये 9 नहीं है, 6 है और यहाँ पर 6 स्टोर हुआ है, ये मैं रॉन्ग लिख दिया, 6 स्टोर हुआ है, 3 प्लस 3 6 होता है और स्टोर कर दिया 98 के ऊपर 6, ठीक है। अब मेरे पास लोड हुआ है मेरे पास 6, अब मैंने ऐड करवा दिया 99 से, तो 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, ओके, अब मैं स्टोर करवा दिया इसको 98 के ऊपर, 98 पर, ऑन 98, सो 98 इक्वल्स टू 9, ओके, 98 इक्वल 9, देन LDA 97, देन अब मेरे पास जो 97 पर जो वैल्यू थी वो मेरे पास है 2 मेरे पास लोड हो गई, ओके। अब मैंने ऐड करवा दिया 96 से, 96 से ऐड करवाया, तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, देन स्टोर इट एट 97, सो 3 स्टोर एट
97, okay, then we subtract it from 99, so 3 minus 3 equals to 0. Now condition is going to true, condition true हो गई अब, क्योंकि अब 0 के बराबर आ गया है, तो condition true हुई और उसने इसको line number 11 के ऊपर move करवा दिया. okay, line number 11 मेरी क्या है, line number 11 है LDA 98. okay, so 98 को उसने load किया, मतलब इसने load किया 9 को, 98 ये रहा, 9 को उसने load किया और इसने इसको कर दिया आउट, आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया. फिर इसके बाद प्रोग्राम हॉल्ट हो गया. ओके, तो मैं हमारे पास ये स्क्वायर आ गया 3 का, 3 का स्क्वायर ऑलवेज बी 9. सो अगर यहाँ पर मेरा इनपुट 5 होता तो मेरा ये लूप 4 टाइम्स चलता, तो मेरे पास आंसर आता इसका 25. अगर मेरा यहाँ पे 6 होता तो ये मेरा लूप 5 टाइम चलता, मेरे पास आंसर आता 36. 6 टाइम 6 प्लस होता 5 टाइम 5 ऐड होता. ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको. ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स रन इट, स्पीड इट अप. और जो ये जो वैसे ये इसकी बात है, जो एक यूज़र ने बोला था कि आप इसको स्लो करके चलाया करें, तो फिर ये इसमें क्या होता है कि ये इसमें पूरी एक कमांड ये लाइन बाय लाइन रन करके ये शो कर रहा होता है कि कौन सी कमांड रन हो रही है, और वो भी क्या नाम है इसको मशीन लैंग्वेज में इसको रन करके हमें बता रहा होता है कि 000 से क्या नाम है हॉल्ट होता है हमारे साथ प्रोग्राम. ठीक है, इस तरह करके ये मशीन लैंग्वेज में इसको रन कर रहा होता है. तो हमें इस चीज़ की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है कि किस तरह चल रहा है, मतलब जो हमने ये कमांड इसमें जो मैंशन की हुई है यही इसको क्या नाम है लाइन बाई लाइन रन कर रहा होता है. ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ. जैसे मैं 3 का लेता हूँ, ठीक है, 3 का मैं स्क्वायर से इनपुट देता हूँ कि ये इसके मुझे इस 3 का स्क्वायर दे. ठीक है, 3, तो ये 9 आ गया है. ठीक है, अब मैं अगेन लेता हूँ, अब मैं अगेन के स्क्वायर को उसको 10 का लेता हूँ, 10 का अगर मैं स्क्वायर करने का बोलता हूँ 10, तो 100 आना चाहिए. ठीक है, 100 आ गया है. अब मैं जैसे 5 का करता हूँ, 5 का स्क्वायर 25, इट्स वर्किंग ग्रेट ओवरऑल. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक इट दैन लाइक इट, इफ़ यू लव इट दैन सब्सक्राइब. ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय.